नमस्कार, स्वागत है आपका नागाजी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं उपमा, तो बनाना शुरू करते हैं। उपमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई में डाल दिया है घी, और इसमें डालेंगे सूजी। चला दे रहेंगे हम अपनी सूजी को, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हम सूजी। हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अपनी सूजी को। अब एक कढ़ाई में फिर से डालेंगे ऑयल, राई राई को डांस कर लेते हैं, वरना अच्छे से राई बनेगी नहीं। जैसे ही हमारी राई डांस करे, ऑनियन डाल देंगे, प्याज बारीक कटा हुआ, चलाते रहेंगे प्याज। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, चलाते रहेंगे हम करी पत्ते को भी। अब हम इसमें डालेंगे आलू, चलाते रहेंगे आलू। अब इसमें डालेंगे गाजर, चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मटर के दाने। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, इसमें डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, तो भी आप टर्मरिक हल्दी, और इसमें डालेंगे लाल मिर्च, वो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप खाते हैं लाल मिर्च उतना आप डालें। चलाएंगे, क्लोज कर देंगे लिड के साथ, और खोल लेंगे लिड को, चलाते हैं। वेजिटेबल्स लगने नहीं चाहिए अच्छे कढ़ाई में। अब हम इसमें डालेंगे सूजी, यानी कि हलवा, पानी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, गुठलियाँ भी बन सकती है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, शुगर, और इसमें नींबू डाल देंगे। नींबू आप अपने खटास के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आप खट्टा खाना चाहते हैं। मिक्स कर देंगे। आपको उपमा को बहुत ही ज्यादा गीला भी नहीं रखना है, और बहुत ही ज्यादा ड्राई भी नहीं, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। हम इसमें डालेंगे मक्खन, जब तक बटर मेल्ट होगा अब हम इसे सर्व कर लेंगे। पीनट्स डाल लेंगे ऊपर, धनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।